पता भी नहीं था। तो हमारा बीजीएस का यही ध्यास है कॉन्क्रीट पुणे को फिर से हमें हरित पुणे बनाना है, जिस वजह से हम ठीक है आज पांच ही झाड़ लगा रहे पर आगे हम बाद में हम इसका 500 गुना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बीजीएस की एक खासियत ये है कि वो एक साथ 750 चैप्टर ये काम वृक्षारोपण का काम करने वाला है। तो कैलकुलेशन क्या मिनिमम 10 भी लगाए तो कितने होना 7500 इतना होने वाला। तो वही बोलना है मुझे कि हमें कॉन्क्रीट पुणे से हरित पुणे होने के बाद हमें इतना ही होगा कि आजकल ऐसा है कि हर एक घर में पेड़ तो नहीं मिलेगा पर वाईफाई जरूर मिलेगा। यानी किसी के घर जाने का हम पहले बोलते अरे मोबाइल से मतलब वाईफाई दे बरा, पर ऐसा नहीं बोलते कि हाँ तुम्हारे बिल्डिंग में कितने झाड़ है, या ऐसा हमारे दिमाग में भी कभी आता नहीं। तो हमें ऐसा करना है कि हमारे अगली पीढ़ी को हमें प्रॉपर्टी नहीं देनी, हम एक फ्लैट होने पर दूसरा फ्लैट बनाते कि हाँ मेरे बच्चों का काम आएगा, पर हम उसके साथ ऐसा करना कि हमारे बच्चे लिए हर एक ने जिसका एक बेटा होगा या नहीं भी होगा 10 झाड़ लगाने की आगे पीढ़ी को हम कुछ दे ना पाए, पर पेड़ रुपये तोहफा देना बहुत जरूरी है। इतना ही कहूंगी, बीजीएस को यही कहना है कि बस पेड़ मिले तो ऑक्सीजन मिलेगा और अपना अस्तित्व रहेगा। इतना कह के मेरे दो शब्द खत्म करती हूँ। जय जय।